नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड बीजेपी में एक नए तरह के घमासान की शुरुआत होती हुई दिख रही है। ऐसे संकेत उत्तराखंड बीजेपी में उत्तराखंड में वोटिंग के बाद घटी कुछ घटनाएं दे रही है। आने वाले समय में उत्तराखंड में बीजेपी में बड़ा घमासान शुरू हो सकता है और इसके पीछे वजह बन सकते हैं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल किए गए पिछले कुछ माह में थोक के भाव नेता और कार्यकर्ता। अभी 6 माह के भीतर भीतर उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस से शामिल हुए हजारों नेता कार्यकर्ता और बीजेपी के मूल नेता और कार्यकर्ताओं में टकराव बन सकता है, ऐसा लग रहा है इन घटनाओं को देखकर जो पिछले कुछ समय में घटी है। आइए अभी हाल ही में घटी घटनाओं को संदर्भ में रखते हुए इसी पर बात करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और उनकी टीम ने पिछले कुछ माह में 15,000 बाहरी लोगों यानी दूसरे दलों के लोगों को बीजेपी में भर्ती कराया। ये हजारों लोग कांग्रेस और अन्य दलों से आए हैं। इनमें अधिकतर लोग कांग्रेस से है जो आए हैं और इनमें विधायक, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के कुछ बड़े पदाधिकारी और हजारों की संख्या में जिला, ब्लॉक और तहसील लेवल के नेता और कार्यकर्ता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की टीम ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से कई माह पहले माइक्रो लेवल पर कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल करने का एक अभियान चलाया, जिसका विरोध वोटिंग से एकदम पहले बीजेपी में उत्तराखंड में साफ साफ दिखा, जिसको महसूस किया गया। और इसको महसूस करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया के सामने कहा कि अब आगे से कांग्रेस से लोगों को शामिल करने के लिए कोई मानक तय किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मैंने बात की है। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया के सामने कहा, यानी बिना सोचे समझे और यूं ही पार्टी में लोगों को नहीं भरा जाएगा आने वाले समय में। लेकिन ये जो 15,000 लोग आ गए हैं, ये एक चिंता बन सकते हैं, इस तरह के संकेत आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ये समझ रहे थे कि बीजेपी का कार्यकर्ता इस भर्ती अभियान से नाराज दिख रहा है। इस नाराजगी का असर अब साफ साफ उत्तराखंड में दिखने लगा है। बात टिहरी विधानसभा सीट से शुरू करते हैं। टिहरी सीट पर किशोर उपाध्याय, दिनेश धने और धन सिंह नेगी विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। अब यह तीनों बीजेपी में एक साथ आ गए हैं। ये एक दूसरे के विरोध में राजनीति करते रहे हैं इस विधानसभा सीट पर। लेकिन अब समस्या यह है कि विपक्ष में तो कोई बचा नहीं है, इसीलिए नेतागिरी करने के लिए किसके विरोध में बयानबाजी की जाए, बात की जाए। सभी को एक ही पार्टी में है तो सभी को एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप करने की मजबूरी सी दिख रही है। ये सभी नेता एक दूसरे के बारे में सारी अच्छी और सारी बुरी बातें भी जानते हैं, क्योंकि एक ही विधानसभा के है और एक ही दूसरे के खिलाफ और एक ही साथ राजनीति करते रहे हैं लंबे समय से। अभी कई दिन पहले टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें किशोर उपाध्याय का कहना है कि दिनेश धने ने पार्टी की भरी मीटिंग में कहा कि किशोर उपाध्याय और उनके लोगों को TSDC में करोड़ों के ठेके दिए गए और ये ठेके चल रहे हैं। TSDC यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया। किशोर उपाध्याय ने TSDC निदेशक को पत्र लिख दिया और कहा कि इस पत्र में कहा कि उनके यहाँ काम करने वाले ठेकेदारों की एक लिस्ट जारी की जाए, ताकि यह समझा जा सके कि मेरे और मेरे लोगों के कितने ठेके चल रहे हैं। किशोर उपाध्याय ने इन आरोपों को नकारा और ये लिस्ट इसलिए मांगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने के आरोप टिहरी झील में कराए गए कार्यों को लेकर है। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। दरअसल हुआ यूं था कि लोकसभा चुनाव की तैयारी जब चल रही थी तो टिहरी में बीजेपी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में दिनेश धने ने बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय पर आरोप लगा दिया कि टिहरी झील में कई कामों को करने के जो ठेके हैं वो किशोर उपाध्याय ने अपने पसंद के ठेकेदारों को दिलाए हैं। इस पर किशोर उपाध्याय का कहना है कि कुछ लोग उनको बदनाम करने की साजिश रच रहे। किशोर उपाध्याय कांग्रेस के बड़े नेता रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी में बहुत सी सीटें ऐसी है जहां पर इस तरह की पेचीदगियां पैदा हो गई है, क्योंकि विपक्ष के सारे बड़े नेता बीजेपी में आ गए हैं। ये लोग लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं अलग अलग दलों में। अब एक ही दल में होने के कारण इन लोगों के सामने दो समस्याएं पैदा हो गई है। एक, अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए क्या करें, क्योंकि जिनके खिलाफ राजनीति करते रहे हैं सालों से, वो तो सब एक ही दल में खड़े हुए हैं, एक ही मंच पर बैठते हैं, कंधे से कंधा मिलाना पड़ता है, ऊपर से सभी के लिए एक जैसे निर्देश आते हैं। और दूसरी समस्या ये
खड़ी हो गई है कि बीजेपी में खुद की अहमियत को कैसे साबित करें, क्योंकि आने वाले समय में टिकट चाहिएगा। अभी 6 महीने के भीतर भीतर निकाय चुनाव होने हैं, तो अपने लोगों को भी उसमें जगह दिलानी है। इसी का नतीजा है टिहरी में यह जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और चिट्ठी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कई जगह तो यह चिंता इस लेवल पर पहुंच रही है कि आने वाले समय में किसको टिकट मिलेगा, निकाय चुनाव में किसके लोगों को अधिक तरजीह दी जाएगी। कई जगह तो घटनाएं ऐसी भी सामने आ रही है कि मंच पर कौन बैठेगा और कौन मंच के सामने बैठेगा, इस पर भी बात हो रही है, चर्चा हो रही है। पुराने भाजपाइयों को अधिक सम्मान मिलना चाहिए या फिर कांग्रेस से आए नए नए जो भाजपाई बने हैं उन नेताओं को कितनी तरजीह दी जानी चाहिए, यह एक चर्चा का विषय है, यह एक बात हो रही है। दल के भीतर इस तरह की चर्चाएं उत्तराखंड में बीजेपी में सुनी देखी जा सकती है। आप एक दूसरी घटना पर गौर कीजिए, यह घटना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहली घटना से अधिक गंभीर संकेत देती हुई दिखती है। जो बीजेपी में आ रहे हैं कांग्रेस से, खासकर कुछ लोग, लैंसडोन से बीजेपी के विधायक है दिलीप रावत। हरक सिंह रावत जिस समय बीजेपी में थे उस वक्त वो अपनी पुत्रवधु अनुकृति गुसाई को लैंसडाउन से ही टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और माना जाता है कि जब उनकी यह इच्छा बीजेपी में पूरी नहीं हुई तो उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। उस समय चर्चा ये थी कि हरक सिंह रावत अपने लिए भी टिकट चाहते और अपनी पुत्रवधु के लिए भी टिकट चाहते हैं। बीजेपी ने एक टिकट देने की बात कही थी, लेकिन वो दोनों टिकट पर अड़े हुए थे। जब दोनों टिकट मिलते हुए नहीं दिखे तो वो कांग्रेस में चले गए। हालांकि कांग्रेस में जाने के बाद भी टिकट एक ही मिला था, पुत्रवधु को मिला था, लैंसडाउन से मिला था। उस वक्त यह माना गया था कि हरक सिंह रावत को बीजेपी विधानसभा चुनाव में टिकट दे रही थी, लेकिन उनकी पुत्रवधु को टिकट देने से इनकार कर दिया था, इसी कारण कांग्रेस में गए। लेकिन अब हरक सिंह रावत की पुत्रवधु अनुकृति फिर से बीजेपी में शामिल हो गई है। अब उनकी जो पुत्रवधु अनुकृति है बीजेपी में शामिल हो गई है और इसके बाद समझना ये जरूरी है कि वो लैंसडाउन से ही टिकट की दावेदार है और लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत इसके बाद से काफ़ी असहज नज़र आ रहे हैं। भाजपा के बेहद पुराने कार्यकर्ता और पुराने विधायक दिलीप रावत ने हरक सिंह की पुत्रवधु अनुकृति के भाजपा में आते ही अपने सोशल मीडिया पेज पर बिना किसी का नाम लिए जिक्र किए एक लाइन लिख दी। इस लाइन का बड़ा ही गंभीर मतलब निकाला जा रहा है। उन्होंने लिखा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। दिलीप रावत ने इस पोस्ट में ना तो किसी का नाम लिखा और ना ही इसमें राजनीति की कोई बात लिखी, लेकिन इस एक लाइन का मतलब समझने के लिए कोई बहुत अधिक गणित लगाने की और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यह साफ साफ समझ में आता है कि दिलीप रावत इस बात को लिख क्यों रहे। हरक सिंह रावत से जुड़े सफारी प्रोजेक्ट की इस वक्त ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। कुछ समय पहले ईडी ने हरक सिंह रावत व उनके परिवार के सभी सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया था, पूछताछ की थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उस समय कुछ और बात कह रहे थे, अब कुछ और बात कह रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अब कह रहे हैं कि ईडी एक जांच एजेंसी है, उनकी जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो वह पार्टी में नहीं रह सकता। जब तक अदालत का निर्णय नहीं आता तब तक किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता है। अब ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं, महेंद्र भट्ट की भाषा बदल रही है, इसीलिए शायद लैंसडाउन के बीजेपी विधायक की भी भाषा बदल रही है, क्योंकि अनुकृति अब भाजपा में है और वो 2022 में कांग्रेस के टिकट पर लैंसडाउन विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ चुकी है। दिलीप रावत ने ही उनको हराया था और अब वो दिलीप रावत की पार्टी में है और उन्हीं के सामने टिकट की दावेदार है और उन्हीं की सीट से टिकट की दावेदार है। और जब वो आई है तो ये मान के चलिए कि कुछ बात तो हुई होगी, टिकट कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ही, और वो वहाँ काम कर रही है उसी विधानसभा सीट से, तो जाहिर सी बात है उनकी इच्छा है वो वहीं से टिकट लेना चाहेगी। इसीलिए शायद दिलीप रावत लिख रहे हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, क्योंकि हरक सिंह रावत पर ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। वैसे तो इस पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी चुटकी ली है, लेकिन हरीश रावत की बात फिर कभी कर लेंगे। हरीश रावत की बात क्या करनी, क्योंकि उनका दल खुद ही गंभीर संकट में फंसा हुआ है। बात महेंद्र भट्ट की ही करते हैं, उत्तराखंड बीजेपी की ही करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उत्तराखंड में विपक्ष को खत्म करने की मुहिम पर है, लेकिन उनकी इस मुहिम के कारण उत्तराखंड में बहुत सी सीटों पर बीजेपी में भीतर अपने आप ही विपक्ष बनता हुआ साफ साफ दिखता है। इससे आने वाले निकाय चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चिंता की लाइन खींचेगी, यह देखने वाली बात होगी।
वैसे तो चर्चा यह भी है कि अब जब पुत्रवधू बीजेपी में आ गई है तो आने वाले समय में हरक सिंह रावत भी बीजेपी में आ ही जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी में कई सारे समीकरण तुरंत ही बदल सकते हैं। अब अगर हरक सिंह रावत बीजेपी में आएंगे या नहीं आएंगे और हरक सिंह रावत को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी देंगे या नहीं देंगे, यह तो आने वाले समय में वक्त बताएगा, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तराखंड में 6 माह के भीतर भीतर निकाय चुनाव है, ऐसे में बड़ा सवाल यह हो गया है कि उत्तराखंड बीजेपी में कांग्रेस से आए इन लोगों के कारण बन रहा टकराव आखिर किस लेवल तक जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।